Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata दंडत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देख रहे स्कंद दूसरे का अध्याय सातवां श्लोक संख्या 18। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठके शिव महाराज की जय। कृष्ण। तो श्लोक इस प्रकार है, नार्थो बलेर अयम उरुक्रमा पादशौचम अपहाशिख ध्रुतवतो विबुधाधिपत्यम यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्य आत्मानमंग मनसा हरये भिमेने। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। बली महाराज हु पुट ऑन हिज हेड द वॉटर वॉश्ड फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड डिड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बिसाइड्स हिज प्रॉमिस। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फॉरबिडन बाय हिज स्पिरिचुअल मास्टर द किंग डेडिकेटेड हिज ओन पर्सनल बॉडी to fulfill the measurement of the Lord's third step. For such a personality, even the kingdom of heaven, which he conquered by his strength, was of no value. यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इस पर्टिकुलर को परपर्ट में बली महाराज को एक प्योर डिवोटी के नाम से जाना गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने परपर्ट काफी बड़ा है। उन्होंने बली महाराज को इतना ग्लोरीफाई किया है कि मतलब उन्होंने जिस तरीके से बली महाराज का जो ग्लोरीफिकेशन प्रभुपाद जी ने किया है वो मतलब इट शोज कि क्या लेवल के डिवोटी है बली महाराज। हम लोगों ने मतलब कल प्रभु जी का एक्चुअली मेरा लेक्चर मिस हो गया था, टाइमिंग चेंज हो गया था, मुझे थोड़ा पता नहीं था, लेकिन शायद प्रभु जी ने काफी डीप तक वो पूरी स्टोरी बताई थी। जस्ट एक शुरुआत के लेवल पे जो मैंने सुना था जस्ट वही बता रहा था कि जब आदिति दुखी हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली बलि महाराज जो असुर जो लोग थे वो ब्राह्मणों की पूजा करके वो काफी मतलब शक्तिमान हो जाते और जो देव रहते सूर वो अपने अय्याशी में काफी मग्न रहते, उनकी जो जो शक्ति है वो हीन होती जाती है और कम होती जाती है, क्षीण होती जाती है, और जो असुर है उनकी जो शक्ति है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों की वो पूजा करते, ब्राह्मणों की सेवा करते, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते हैं। वो ये शुक्राचार्य के कहने से ही होता रहता है, और आखिर में होता है ऐसा है कि जब आक्रमण जब करते हैं बलि महाराज तो इंद्र को वहां से भागना पड़ता है, और भाग के फिर वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, और फिर उसको देख के आदिति को बहुत दुख होता है, और वो अपने पति कश्यप से कहती है कि इंद्र को बहुत परेशानी हो रही है, मेरे बेटे को बहुत परेशानी हो रही है, आप उसके लिए कुछ कीजिए। अभी दिति और आदिति दोनों कश्यप की पत्नी है, मतलब सूर और असुर दोनों जो है वो कश्यप के ही है, तो एक को बचाने के लिए दूसरे को कैसे करेंगे। तो फिर वो कहते हैं आदिति को कि ये सब जो करना है वो मेरे बस के बाहर है, मैं नहीं कर सकता हूँ, अगर कुछ करना है तो सिर्फ वो विष्णु जो है वो ही कर सकता है। तो माता पूछते हैं कि विष्णु को कैसे प्रसन्न की जाए।
तो फिर उसके लिए फिर वो बोलते कि पयो व्रत नाम का एक व्रत आता है फाल्गुन मास में, वो करो, उससे 13 दिन का एक व्रत है, काफी गंभीरता से अगर करोगे, सीरियसली से करोगे, मतलब उसमें कैसे गाय का ही दूध पे पूरा जीना पड़ता है, हर रोज यज्ञ करना पड़ता है, हर रोज काफी ऑस्टेरिटी करनी पड़ती है, 13 दिन में अगर वो सब करेंगे तो भगवान प्रसन्न होता है। और वैसे फिर अदिति दिलो जान से फॉलो करती है और भगवान उनको प्रसन्न होते हैं, विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि आप जो है वो बलि का संहार करो, बलि को वहां से भगा दो और इंद्र को अपना राज्य दे दो। तो विष्णु बोलते कि ये मेरे से नहीं हो सकते, क्योंकि बलि जो है उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा की है, और जो अगर ब्राह्मणों की सेवा करते हैं उसका मैं नाश नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं आपका बेटा बन के आ सकता हूँ और फिर बलि से उसका राज्य मांग के, उसको छीन के फिर वो इंद्र को दे सकता हूँ। तो इस तरीके से वो बात करते हैं। और यहाँ पे दूसरी चीज होती रहती है कि शुक्र जो है, शुक्राचार्य, वो बलि को बोलते हैं कि आपने जो इंद्र का जो राज्य लिया है, स्वर्ग लिया है, छीन के लिया है, तो छीन के लिया हुआ जो राज्य है वो शाश्वत नहीं रहता है, आपको अगर ये राज्य करना है तो आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेंगे। अगर 100 अश्वमेध यज्ञ आप सक्सेसफुली करेंगे तो फिर कोई जो है वो आपको रोक नहीं सकते, फिर आपका ये जो राज्य है स्वर्ग वो आपका शाश्वत रहेगा, कोई उसको आपको निकाल नहीं सकते उसमें से। तो बलि महाराज की आज्ञा पे वो अश्वमेध यज्ञ चालू हो जाते, 99 तक हो जाते, 100 से जो यज्ञ चालू होता है, तभी यहाँ पे वामन देव जो है वो अदिति के गर्भ से मतलब वो 5 वर्ष के डायरेक्टली 5 वर्ष के मतलब बन जाते हैं वो, ऐसे उसमें मतलब वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, तो फिर उनके लिए मतलब नॉर्मल बर्थ एंड डेथ इज नॉट पॉसिबल, तो उस बेसिस पे वो पूरे 5वें वर्ष पे डायरेक्ट 5 वर्ष के थे वो आ जाते हैं, और उन्हें पता चलता है कि अभी अश्वमेध यज्ञ खत्म होने आया है। तो फिर वहां पे वो जाके उससे बलि महाराज से वो 3 पावलों की जमीन मांगते हैं, और जो फिर वो स्टोरी हम लोग को तो पता है कि मतलब बलि महाराज खुद को पूरा समर्पण कर देता है कि दो में ही जब पूरा खत्म हो जाता है तो तीसरा अपना सर देता है, कि बोलते हैं ये सर जो है वो अभी भी किसी के मतलब ये नहीं है, वो मेरा है, आप इस पे लग के ये भी अपने आपके मतलब शरण में ले लो, आप इसका ये कर लो, जीत लो करके, मतलब ये आपके लिए हो जाएगा करके। तो ये खुश होके फिर वामन देव जो है फिर वो उनके उनको मतलब भले वो पाताल में भेज देते, लेकिन उधर के द्वार पे वो उनके वॉचमैन के हिसाब से मतलब उनके ये सबसे वो रह जाते हैं वामन देव, मतलब वो बलि महाराज को कहा जाता है। और फिर वो बलि महाराज जो 7 जो चिरंजीव है, अश्वत्थामा बलि व्यास, उसमें जो बलि है वो जो है वो सप्त चिरंजीव में से एक चिरंजीव करके माना जाता है। तो ये जो स्टोरी है उसके आगे मतलब हम लोग प्रभुपाद जी ने जिस पर्टिकुलर वे से इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से, मतलब वो तो प्रभुपाद जी है, लेकिन मतलब इन्होंने जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है इतना डीप चके, तो हम लोग उसका जरा पटपट पढ़ लेते, बड़ा है लेकिन इसको पढ़ लेते, तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ उसको। तो बलि महाराज बाय गेनिंग द ट्रांसेंडेंटल फेवर ऑफ द लॉर्ड इन एक्सचेंज फॉर हिज ग्रेट मटेरियल सैक्रिफाइस वॉज एबल टू हैव अ प्लेस इन वैकुंठ लोका विथ इक्वल और ग्रेटर फैसिलिटीज ऑफ इटर्नल एंजॉयमेंट, देयरफॉर ही वॉज नॉट एट ऑल the loser by sacrificing the kingdom of heaven which he had possessed by his material strength. In other words, when the Lord snatches away one's hard-earned material possession and favors one with his personal transcendental service for eternal life, bliss and knowledge, such taking away of Lord should be considered a special favor upon such a pure devotee. तो मतलब यहीं पे प्रभुपाद जी ने यही कहा है कि कोई अगर भगवान अगर किसी का कुछ छीन लेता है और छीन के उसको अगर अपना प्यार देता है, अपना फेवर देता है, अगर अपना कृपा देता है, अपनी मर्सी देता है, तो फिर वो जो छीनना है वो एक छोटी चीज है, मतलब उसमें हम लोग मतलब वो जाना मटेरियल पोजीशन अपना कुछ जाना उसमें कुछ दुख कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि भगवान ने अपने को एक स्पेशल मर्सी दी, अपने अपने पे एक स्पेशल कृपा की है। मटेरियल पोजीशन हाउएवर एल्यूरिंग दे मे बी कैनॉट बी परमानेंट पोजीशन, देयरफॉर वन हैज टू वॉलंटरीली गिव अप सच पोजीशन or one has to leave such possessions at the time of quitting his material body. The same man
knows that all material possessions are temporary and that the best use of such possessions is to engage them in the service of Lord, so that the Lord may be pleased with him and award him a permanent place in his paramdham. जब हम लोग एक्चुअली ये चीज को देखते हैं कि हम लोग अभी भागवतम के जब तक जितना हम लोग सुन लिया है तो हम लोग इतना तो डेफिनेटली जानते हैं कि हमारे पास जो भी है, खुद भी अपना जो शरीर भी है वो भी भगवान का है, हमारा एक्चुअली दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ये जो धन हम लोग जो बात करते हैं वो भी हमारा कैसे हो सकता है, वो भी भगवान ने दिया हुआ है। तो जो भगवान का है वो भगवान के लिए अर्पण करने में क्या ये मतलब। तो यहीं पे प्रभुपाद जी ये बताया कि जो अपना पा है वो भगवान के प्रति उसको यूज करना, वो एक उसके लिए भगवान उसको परम धाम का वहां पे जगह देते हैं। तो यहाँ पे वो भगवद गीता का जो 15.5 और 6 जो श्लोक है उसको प्रभुपाद जी ने रेफर किया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संन्यर गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययम तत्। तो ये जो इसका अगर हम लोग ये देख लेते हैं कि जो झूठी जो प्रतिष्ठा जो है, जो मोह है और जो गलत संगत है, उससे जो मुक्त है वो क्या है, वो शाश्वत तत्व को समझते हैं, उनको जो रियलिटी है परमानेंट जो ये है उसको आदमी जान लेता है तत्व। तो जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख में के द्वंद्व से जो मुक्त है और जो मोह से रहित होकर परम पुरुष को जो शरणागत होता है, जो उस शाश्वत मतलब जो परमानेंट राज्य को वो प्राप्त कर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, शरणागति को एक बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, मतलब प्रभुपाद जी ने इसको और ज्यादा उसको ये किया है। उन्होंने क्या किया है इसको, वो बोल रहे हैं कि ये प्रथम जो योग्यता की आवश्यकता है, मतलब अगर कोई किसी को भी अगर कुछ भी करना है भगवान के प्रति उसको जाना है, तो पहले उसको शरणागत होना पड़ेगा। जो गलत अहंकार झूठा जो अहंकार रहता है मतलब ना फॉल्स ईगो, उससे जो मोहित नहीं होता है। और हम लोग जो कंडीशन सोले बद्ध जीव जो है वो हम लोग अगर प्रकृति को ही हम लोग लॉर्डिंग ओवर दी नेचर बोलते हैं ना, ये प्रकृति का स्वामी बनकर हम लोग अगर एक प्राउड फील करते रहेंगे, गर्व लगता हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, भगवान को शरण जाना हम लोग को इम्पॉसिबल होगा, हम लोग शरण नहीं जा सकते। हम लोग देखते हैं ना जो आदमी एक काइंड ऑफ ईगो में रहता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, कि आई एम द बॉस, यू नो यू आर जस्ट सर्वेंट ऑफ मी और यू आर जस्ट यू नो, तो फिर उसमें वो क्या होता है कि उसको एक वो जो ईगो के वजह से वो किसी को शरण नहीं जाता। तो प्रभु जी ने बोला कि शरणागत होने के लिए पहले हम लोग को ये होना चाहिए कि हम लोग नम्र होना चाहिए। तो अगर हम लोग उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना चाहिए। और हम लोग प्रकृति का स्वामी नहीं है, और ये जो प्रकृति जो है वो परमेश्वर की है, जो परम जो ईश्वर है, परम पुरुषोत्तम जो भगवान है, उसका उसकी ये प्रकृति है, उसको पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा और उसको ये मानना पड़ेगा। तो ये जो जो मनुष्य जो है वो अगर अपनी अहंकार और मोह से जब मुक्त होता है तो शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। तो जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है उसके लिए भगवान को शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य वहां आता है, कुछ काल तक रहता है, फिर चला जाता है, तो क्या होता है, वो मूर्खतावश ये समझ बैठता है कि मैं इस प्रकृति का स्वामी हूं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग हल्का से लेवल पे हम लोग सोचेंगे भी तो हम लोग इतने इनसिग्निफिकेंट है। आज मेरी साइज इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के सामने क्या है, ये बिल्डिंग जो है वो थाना के जो सिटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके सामने क्या है, ये सिटी जो है इंडिया के सामने उसकी क्या साइज है, और वो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के मैप में कितना है, जो वर्ल्ड है वो मिल्की वे गैलेक्सी और आखिर में ब्रह्मांड के सामने वर्ल्ड की क्या साइज है। और हम लोग देखते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो मालिक है भगवान श्री कृष्ण, उनके सामने ये अपने ब्रह्मांड की क्या वैल्यू है, अर्थ की क्या वैल्यू, और आखिर में उसको अगर देख कंपैरिजन करेंगे तो मेरी क्या है, मतलब मैं कितना इनसिग्निफिकेंट वर्ड भी बहुत बड़ा हो गया उसके लिए। एब्सोल्युटली हम लोग वी आर नोवेयर। और इस चीज के लिए हम लोग जानते हैं कि इस चीज के लिए हम लोग झगड़ा करते हैं, एक छोटे से लैंड के लिए झगड़ा होता है, भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, मतलब हम लोग ये चीज हम लोग देख रहे हैं पूरे प्रकृति में किस तरीके से हो रहा है कि एवरी वन इज ट्राइंग टू लॉर्ड ओवर द नेचर विच इज द मोस्ट यू नो डिफिकल्ट पार्ट। और ये अगर हम लोग उसमें अटक गए तो फिर हम लोग को भगवान को शरणागत होना इम्पॉसिबल है।
तो हम लोग ने ईशा अपना जो ईशोपनिषद में भी इस पर्टिकुलर चीज को काफी जो मंत्र जो पहला मंत्र है वहां पे इसी पर्टिकुलर चीज को काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृद्धा कस्य स्विद्धनम। तो बोलते हैं यहाँ पे एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट दैट इज विद इन दिस यूनिवर्स इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय लॉर्ड। तो बोलते हैं जो भी इस ब्रह्मांड में जो भी चल अचल जो भी है वो भगवान से भगवान के निर्देश पे चलता है और उसका मालिक कौन है स्वामी कौन है तो भगवान है। और उसके लिए फिर क्या करना है वन शुड ओनली एक्सेप्ट दोस थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर हिमसेल्फ। मतलब हम लोग को जितना जरूरत है हम लोग को सिर्फ उतना ही लेना चाहिए। हमारे लिए जितना भगवान ने अलग रखा है बाजू में रखा है कोटा हम लोग बोल सकते हैं उतना हम लोग जो भगवान ने दिया है हम लोग को सिर्फ उसी पे निर्भर रहना है और उसी से संतुष्ट होना है। एंड वन शुड नॉट एक्सेप्ट अदर थिंग्स नोइंग वेल टू हुम दे बिलोंग। तो हम लोग को और चीजों की अपेक्षा उसकी आसक्ति नहीं करनी चाहिए ये जानते हुए कि ये एक्चुअली इसका मालिक कौन है। जैसे हम लोग तो इसका मालिक जो भगवान है तो हम लोग उसकी जो हमारे इसके बाहर है हमारे परव्यू के बाहर है हमारे कंट्रोल के बाहर है या हमको जो भगवान ने नहीं दिया है उसके लिए हम लोग को ज्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी चाहिए। मतलब मेहनत इन द सेंस वो उसको पाने की आसक्ति नहीं करनी चाहिए और पाने के लिए बहुत मेहनत भी नहीं करनी चाहिए। हम लोग अगर देखेंगे एक सिंपल एग्जाम्पल अगर लेंगे तो जो एक बैंक रहता है उस बैंक का जो वॉचमैन रहता है वो अभी पूरी बैंक जो उसमें जो हजारों करोड़ जो रुपए रहेंगे धन जो रहेगा धनराशि रहेगी उसका ये रक्षण करता है वो सिक्योरिटी गार्ड है वो उसको सिक्योर करता है उससे चोरों से वगैरह सबसे बचाता है। लेकिन क्या वो उसको मान सकते हैं कि ये मेरी बैंक है करके? नहीं, वो बैंक का एक सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है बैंक उसकी नहीं है। तो हम लोग को भी इसी तरह से इस पर्टिकुलर प्रकृति को देखना है कि ये प्रकृति के हम सिर्फ गार्डियन है। हम लोग प्रकृति को भगवान के मर्सी के वजह से हम प्रकृति को सिर्फ भोग रहे हैं लेकिन प्रकृति हमारी नहीं है। तो ये हम लोग को चीज को हम लोग को हर बार ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो उसको थोड़ा सा एग्जाम जो और डिटेल में बताया कि मनुष्य को हम लोग को ये देखना है कि ये जो कुछ मेरा नहीं है ये पर्टिकुलर चीज को हमारे मन में अच्छी तरह से हम लोग को डालना चाहिए कि ये मेरा नहीं है। तो हम लोग को क्या है कि जब हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को अच्छी तरह से डिटेल में जाके देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग मतलब भगवान के अधीन तो होते ही है भगवान के अधीन तो होना ही है लेकिन उसके परे हम लोग को भगवान को सिर्फ स्वामी मान के उस पर ये नहीं होना है। हम लोग मतलब वी शुड नॉट फियर गॉड वी शुड लव गॉड। तो वो अगर हम लोग उस तरीके से जाएंगे तो हम लोग मतलब बोलते हैं ना कि जो भक्ति योग के मार्ग से भगवान को पाना तो उसके लिए फिर हम लोग काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि आगे का जो श्लोक है कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो यहाँ पे भी भगवान ने बताया कि ये हम लोग को क्लियरली अपने मन में उतारना चाहिए कि जो जो मेरा जो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा खुद का जो धाम है वो उसके लिए या ना सूरज ना चंद्र वो प्रकाशित नहीं करते ना ही कोई अग्नि या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी ये प्रकाशित नहीं करते। जो वहां पे आते हैं वो कभी वापस रिटर्न नहीं जाते। तो ये जो जो सूचना जो ये उसमें मनुष्य ने अपने दिमाग में अच्छी तरह से बोलते ना ये करना चाहिए मतलब पूरे दिमाग में घुसना चाहिए वो कभी नहीं चलने के। और उसने क्या करना चाहिए कि ही शुड ट्रांसफर हिमसेल्फ टू दैट इटर्नल वर्ल्ड। तो की इच्छा मतलब हर मनुष्य की इच्छा हर जीव की इच्छा वही होनी चाहिए कि उसका आखिर जो परम लक्ष्य है वो उस जो शाश्वत धाम जो भगवान का है वहां पे जाना चाहिए। और वो और जो ये जो हम लोग मतलब ये जो मिथ्या नहीं बोल सकते अशाश्वत जो दुखालय अशाश्वत जो इस मटेरियल जो है वर्ल्ड है उससे हम लोग को बाहर निकलना है कि ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी है जिसका जो सच्चिदानंद जो है वो जो भगवान का धाम है। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला कि हम लोग अगर किसी से कुछ चीजों से अगर बहुत अटैच्ड हो जाते हैं तो फिर हमारी जो मतलब मृत्यु के समय हो या फिर जब भी कठिन समय हो तो हम लोग को वो जो अटैचमेंट जिससे है हम लोग को उस चीज की याद बहुत आती है।
तो अगर हम लोग ये मटेरियल वर्ल्ड में बहुत अगर अटैच हो गए, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी गाड़ी, तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं कि मतलब लोग इतने अटैच रहते हैं। अभी हम लोग टीवी में अगर एड वगैरह भी आते कि मेरी बाल, मेरे बाल, मेरे जान है, इस टाइप के टीवी में एड आ जाते हैं। तो अगर बालों में, अगर उसका अपने खुद के बाल में अगर उसकी जान अटक गई तो फिर वो कितना मतलब भयंकर है। तो इस टाइप का प्रभुपाद जी ने इस चीज को बोला कि हम लोग को ये आसक्ति से कंप्लीटली दूर होना चाहिए, क्योंकि ये आसक्ति हमको भगवान से दूर कर रही है। तो ये, और हम लोग क्या है कि अगर हम लोग भगवान की, जैसे प्रभुपाद जी बताते एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जो हम लोग हर बार हर क्लास में कभी ना कभी तो हम लोग यही सुनते हैं कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज प्रोबेबली इज द फर्स्ट स्टेप टू टेक अस अवे फ्रॉम द मटेरियल बॉन्डेज और टेक्स अस क्लोज टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उसके लिए एसोसिएशन बहुत जरूरत है। तो यहाँ पे प्रभु जी वापिस उस चीज को हाईलाइट करते हैं कि हम लोग को डिवोटीज के साथ एसोसिएशन करना चाहिए। और उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग भरत महाराज का उदाहरण हर बार देते कि भरत महाराज पूरे निरासक्त हो गए थे, वो पूरा अपना उनने त्याग कर दिया था अपना वैभव, या पूरा जो मतलब पृथ्वी के वो राजा थे, उन्होंने पूरी की पूरी पृथ्वी दे दी। लेकिन फिर वो, बिकॉज वो डिवोटी के एसोसिएशन में नहीं थे, उसके लिए वो एक मृग के बच्चे के पास आकर्षित हो गए और उसमें वो अटैच हो गए, आसक्त हो गए। तो ये हम लोग जानते हैं कि, तो उसके लिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग, क्योंकि एक डिवोटी दूसरी डिवोटी को भगवान की तरफ खींचता है। कोई डिवोटी अगर गलती से अटैचमेंट की तरफ भाग गया मटेरियल, दूसरा डिवोटी उसको खींचता है। और भगवान ने, प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिकली भगवान को प्रोफिलेक्टिक बोला है। तो मतलब वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, एंटीसेप्टिक हो सकता है, या फिर जो भगवान के टच में आता है वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। मतलब आदमी कितना भी खराब क्यों ना हो, कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, लेकिन वो अगर भगवान के संग में आ जाता है तुरंत वो शुद्ध हो जाता है। तो भगवान को पर्टिकुलर वर्ड यूज कर, प्रोफिलेक्टिक। तो यहाँ पे प्रभु जी ने वापिस आया था कि हम लोग को ये जो डिटैचमेंट है मटेरियल वर्ल्ड से, वो सिर्फ एक सेफरन क्लोथ, या फिर हम लोग जो बोलते हैं कि भगवा वस्त्र पहन के नहीं होगा। हम लोग को भगवान के प्रति हमारा जो डिवोशनल सर्विस है, हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो सेवा है, वो प्यार भरी सेवा हम लोग को भगवान के लिए करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को डिवोशनल सर्विस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी कार्य जो है वो दूषित हो जाती है, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वापिस वो चीज कहा कि हम लोग को ये जो भौतिक प्रकृति में तीन जो गुण है, उससे हम लोग जो कार्य करते हैं वो हम लोग को अशुद्ध बना सकते हैं। तो हम लोग को सिर्फ शुद्ध रहने के लिए भगवान की सिर्फ भक्ति करनी चाहिए, भगवान के हम लोग को सिर्फ और डिवोटीज का एसोसिएशन करके भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। तो वन पोजेस मोर इन दिस वर्ल्ड इन द शेप ऑफ हाउसेस, लैंड, चिल्ड्रेन, सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड वेल्थ, पजेस दिस थिंग्स ओनली फॉर द टाइम बीइंग। वन कैनॉट पजेस ऑल दिस इल्यूजनरी पैराफेरनेलिया क्रिएटेड बाय माया परमानेंटली। सच पोजेशन इज मोर इल्यूजन इन द मैटर ऑफ हिज सेल्फ रियलाइजेशन। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वही चीज को हाईलाइट की कि मेरा घर, मेरा, मेरी जायदाद, मेरे बच्चे, उसके पीछे हम लोग को आसक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। देयरफॉर वन शुड पजेस लेस और नथिंग सो दैट वन मे बी फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल प्रेस्टीज। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं, तो सनत कुमार, जब उनका जब जन्म हो गया था, और वो उन्होंने फिर हाथ में क्या लिया था, वो चार जो छोटे बच्चे, वो सिर्फ खुद का वस्त्र और हाथ में कमंडलू लेके वो चल पड़े भगवान के लिए। मतलब उन्होंने अपने आप को पूरी मटेरियल बॉन्डेज से पूरी तरह से दूर रखा था। तो यहाँ पे प्रभु जी ने उसी चीज को कि मतलब एब्सोल्युटली लेस और नथिंग, इतना ही हमारे पास रहना चाहिए। हमारे जो गोस्वामी हम लोग देखते हैं, छठ गोस्वामी, उन्होंने भी अपने पास क्या रखा था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ भगवान का एक विग्रह था, और अपना जो भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और भगवान के प्रति दृढ़ प्रेम था, लेकिन अपने पास कुछ मटेरियल बॉन्डेज नहीं रखा था। देयरफॉर द मोर वन स्पिरिचुअली एडवांसेस बाय डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इन एक्सचेंज ऑफ हिज टेम्पररी पोजेशन, द मोर वन इज फ्रीड फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ मटेरियल इल्यूजन।
To achieve this stage of life, one must firmly be convinced about spiritual existence and its permanent effects. To know exactly the permanency of spiritual existence, one must voluntarily practice possessing less or only the minimum to maintain one's material existence without difficulty. One should not create artificial needs that will help one be satisfied with the minimum. अगर हम लोग अभी खुद इस पर्टिकुलर दुनिया में देखते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो हम लोग देखते हैं कि जो हम कंफर्ट या फिर लग्जरी के नाम पे ये सेंस ग्रेटिफिकेशन में इतने उलझे हुए हैं कि एक चीज खत्म होती है तो उससे जब मन भर जाता है तो वो एक हायर वर्जन लेके आते, उससे मन भर जाता तो तीसरा वर्जन लेके आते। जैसे पहले हमारे जमाने में पहले के नॉर्मल खेल खेला होता था, हम लोग बाहर जाके खेलते थे, फिर बाद में वीडियो गेम निकला, तो वीडियो गेम से बाद में मतलब वीडियो गेम से जब ये निकले तो डबल स्क्रीन वीडियो गेम निकला, उससे भी लोग भर गए, तो फिर वो हाई साइज टीवी गेम्स निकले, उससे भी मन भर गया, तो फिर बाद में वो निंटेंडो वगैरह ऐसे गेम्स आ गए जो एक साथ आप लोग दो दो तीन तीन अलग अलग गेम्स खेल सकते, तो वो उससे भर गया। तो फिर प्ले स्टेशन आया, प्ले स्टेशन से मन भर गया, तो PS1 आया, PS2, PS3, अभी PS5 पे आ गया है। तो ये सब चीज सिर्फ नई नई चीजें भरती रहती है, वो एक सेंस ग्रेटिफिकेशन को सिर्फ हायर लेवल पे जाते जाते हैं, लेकिन उससे कुछ हम लोग का सिर्फ बॉन्डेज बढ़ते जाता है, आसक्ति बढ़ती जाती है। टू नो एग्जैक्टली दी परमानेंसी ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, वन मस्ट वॉलंटरली प्रैक्टिस पजेसिंग लेस और ओनली दी मिनिमम टू मेंटेन वन्स मटेरियल एग्जिस्टेंस विदाउट डिफिकल्टी। वन शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल नीड्स, ये पढ़ के हो गया था, सॉरी, that will help one with be satisfied with the minimum. Artificial needs of life are activities of senses. The modern advancement of civilization is based on these activities of the senses, or in other words, it is a civilization of sense gratification. Perfect civilization is the civilization of atma or the soul proper. The civilized man of sense gratification is only on an equal level with animals, because animals cannot go beyond the activities of senses. Above the senses is the mind. The civilization of mental speculation is also not the perfect stage of life, because above the mind is the intelligence, and the Bhagavad Gita gives us information of the intellectual civilization. The Vedic literature gives different directions for the human civilization, including the civilization of the senses, of the mind, of the intelligence and of the soul proper. तो यहाँ पे हम लोग मतलब देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने पर्टिकुलर ये चीज को कैसे था कि हमारा जो लोएस्ट जो ये है वो हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसके ऊपर जो है वो मन है, उस मन के ऊपर जो है इंटेलिजेंस है, और सबसे ऊपर टॉप मोस्ट है आत्मा। तो यहाँ पे आज हमारा क्या हो रहा है कि हम लोग आत्मा को तो पूरी तरह से दुर्लक्षित की गए, वो आत्मा को कोई जानता ही नहीं है, सब लोग खुद को बॉडी समझते हैं, तो आत्मा तो पूरी पूरी इग्नोर्ड चीज है। उसके नीचे फिर हम लोग लेते हैं कि बुद्धि, और ये बुद्धि को कंट्रोल कौन कर रहा है, मन कर रहा है, और मन को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो ये सेंसेस कर रहे हैं। तो मतलब भूख लगी तो मन को बोला कि हम लोग को खाना है, मन बुद्धि को बोलता है चलो कोई अच्छा अच्छा प्लान बना दो, खाना खाना है, ये करेंगे। तो देख रहे कि हम लोग को जो मन है वो बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है, और मन को कंट्रोल सेंसेस कर रहा है। प्रभुपाद जी ने इस पर्टिकुलर चीज को तुरंत बताया कि एकदम गलत है, अपने को उल्टा करना है। जो सेंसेस है वो मन द्वारा प्रभावित होनी चाहिए, मन ने सेंसेस को बोलना चाहिए कि जो खाना है वो भगवान को अर्पण किए भी नहीं करना है, और वो मन को कौन कंट्रोल करना चाहिए, तो बुद्धि कंट्रोल करनी चाहिए। और बुद्धि कैसे कंट्रोल करेगी, तो बुद्धि को एक अच्छा खुराक मिलना चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन। जैसे माताजी ये बोल रही थी, नीताई सेविनी माताजी, कि बुद्धि को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो भगवद गीता, भागवतम, ये पढ़ के हम लोग को बुद्धि को न्यूट्रिशन मिलेगा। उस बुद्धि, फिर वो बुद्धि एक प्रॉपर नॉलेज लेके मन को बताएगी कि भगवान को ऑफर किए बिना हम लोग को नहीं खाना है, भगवान को ऑफर, हमारे जो विग्रह है उनके सामने जाके पहले भगवान को ऑफर करेंगे, भगवान उसको प्रसाद बना देंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे, तब तक सेंसेस को बोलना चाहिए, तब तक तुम रुको करके। तो वो जो लेवल है कि बुद्धि जाके मन को कंट्रोल करना है, मन जाके सेंसेस को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ये चीज को हाईलाइट किया है। The Bhagavad Gita primarily deals with the intelligence of man, leading one to the progressive path of civilization of the spirit soul. And Srimad Bhagavatam is the complete human civilization dealing with the subject matter of the soul proper. As soon as a man is raised to the status of civilization of the soul, he is fit to be promoted to the kingdom of God, which is described by the Bhagavad Gita as per the above verses. The primary information of the
किंगडम ऑफ गॉड इन्फॉर्म्स अस दैट देयर इज नो नीड ऑफ सन मून और इलेक्ट्रिसिटी. जो हम लोग ने उसको ले मतलब बात की थी कि न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावक, इस चीज को यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वापिस हाईलाइट किया है. तो गॉड एक्सप्लेन्स दैट एनीवन हु इज एबल टू रीच दैट किंगडम बाय अडॉप्शन ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ अ सोल प्रॉपर और इन अदर वर्ड्स बाय द मेथड ऑफ भक्ति योगा अटेन्स द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, वन इज देन सिचुएटेड इन द परमानेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल विद फुल नॉलेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस फॉर द लॉर्ड. बलि महाराज एक्सेप्टेड द सिविलाइजेशन ऑफ द सोल इन एक्सचेंज ऑफ हिज ग्रेट मटेरियल पोजिशन एंड दस बिकेम फिट फॉर प्रमोशन इन द किंगडम ऑफ गॉड. तो यहाँ पे एक्चुअली ना एक चीज जस्ट एक वो स्टोरी में ये जो सुना था उसमें ऐसा बताया कहते कि जो शुक्राचार्य है वो काफी मतलब एडमेंट थे. वो बलि महाराज को कंटिन्यू समझा रहे थे कि तुम इस वामन की बातों में मत आना और ये तुम्हारे सब कुछ छीन लेगा, तुम मेरी बात सुनो. तो बलि महाराज तो वॉज मतलब जो उन्होंने प्रॉमिस किया था ही वॉज सेइंग दैट आई एम मतलब कुछ भी हो जाए मैं अपने प्रॉमिस को से मुकर नहीं जाऊंगा. और एक्चुअली ये ऐसा भी होता है ना कि जो मैंने सुना था मतलब जो मैंने आचार्य से सुना था कि डायरेक्ट वामन वहां पे जाके ये नहीं करते कि मुझे 3 बीघा जमीन तीन जमीन चाहिए. वो एक्चुअली खुद जो बलि महाराज है वो उनके पीछे लगता है कि आप महान ब्राह्मण हो आप मुझसे मांगो करके. बहुत बार जब मांगते उसके बाद वामन देव जो है वो ये पर्टिकुलर 3 जमीन मांगते. तो ये जब देने के लिए जब मतलब उतावील हो जाते हैं मतलब काफी एक्साइटेड मतलब लेवल पे है वो बलि महाराज उनको जमीन देने के लिए मतलब तैयार होते हैं. तो ये जो शुक्राचार्य है वो अपनी तंत्र मंत्र विद्या से वो एकदम बहुत छोटे बन जाते हैं और वो क्या करते वो उसके अंदर वो जो कमंडलू से जब वो पानी बाहर निकलने वाला था क्योंकि पानी हाथ से डाल के हम लोग जब छोड़ देते तो हम लोग बोलते हैं कि यस दिस इज नाउ अर्पण की है मैंने अभी इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है. तो पानी डालने के लिए जब बलि महाराज वो कमंडलू उठाते हैं तो जो शुक्राचार्य है उस कमंडलू के मुंह में जाके बैठ जाते हैं और मतलब अपने तंत्र विद्या से इतने छोटे हो जाते कि वो जो जो कमंडलू का जो मुंह है वो बंद करते हैं ताकि वहां से पानी ना निकले. तो जब पानी नहीं निकल रहा रहता है तो जो बलि महाराज है वो एक गवत की एक लेते हैं क्या बोलते हैं ना कांडी जैसे बोलते हैं ना एक लेते तो, और वो उसे उस होल में घुसाते हैं ताकि वो जो कचरा है वो अटक निकल जाए करके. तो वो तो कचरा नहीं रहता वो शुक्राचार्य रहते ना शुक्राचार्य की उससे आग फूट जाती है करके. तो ये चीज वहां पे बताई गई है. फिर शुक्राचार्य बहुत गुस्से में हो जाते हैं और बोलते हैं जो तुमको करना है करो अगर वो निकल जाते. तो यहाँ पे एक चीज बताई है कि शुक्राचार्य ना बोलने के बावजूद बलि महाराज इतने उतावील रहते हैं अपने मटेरियल पोजेशंस को देने के लिए. इसके लिए प्रभुपाद जी ने वहां पे बलि महाराज को इतना ग्लोरीफाई किया उन्होंने. द किंगडम ऑफ हेवन विच इज which he achieved by dint of his material power was considered most insignificant in comparison with the kingdom of God. तो मतलब जो पूरा स्वर्ग जो जीता था वो उनके सामने उनको बहुत छोटा लगा था. तो those who attained the comforts of material civilization made for sense gratification should try to attain the kingdom of God by following in the footsteps of Bali Maharaj who exchanged his acquired material strength adopting the process of bhakti yoga as recommended in Bhagavad Gita and further explained in Srimad Bhagavatam. तो हम लोग एक्चुअली वही चीज का मतलब स्पेसिफिकली हम लोग को ये चीज का ध्यान देना चाहिए. हम लोग देखते हैं कि अपने पास एग्जाम्पल है भरत महाराज थे वो आखिर में एक चीज मुरुख की वजह से आसक्त हो गए थे लेकिन जब जब वो वन में आए थे तब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था मतलब उन्होंने सब कुछ जो था अपना छोड़ दिया था. वैसे ही परीक्षित महाराज जब परीक्षित महाराज को पता चला कि अभी मेरी मृत्यु होने वाली है तो उन्होंने सबसे पहले तुरंत भागवतम का आश्रय लिया और जो भी अपना जो सब था वो जन्म जय अपने बेटे को देके वो वहां से निकल गए थे. तो हमारे पास मतलब ऐसे इतने बड़े धरोहर है कि मतलब हम लोग उनसे सीख सकते हैं आसक्ति मटेरियल चीजों से कैसे ना रखनी है और भगवान के प्रति अपनी आसक्ति कैसे बढ़ानी है. तो तात्पर्य था और जो मैंने आचार्य से सुन के और जो प्रभुपद से तो जितना जाना वो आपके सामने रखने का प्रयास किया है मेरे शुद्धिकरण के लिए. प्रभु जी माता जी अगर मुझसे कुछ गलतियां वगैरह तो प्लीज मुझे माफ कीजिए और प्लीज आपके कमेंट्स मुझे दे दीजिए. हरे कृष्णा दादा नाम प्रभु जी माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी. Presentation, nice, very philosophical.
बहुत सारा पॉइंट्स आपने कवर किया ऑलरेडी, कल प्रभु ने भी इस लीला को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वी आर रेड टू दैट पॉइंट, तो थैंक यू. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी, सब आपकी मर्सी की वजह. ऑल द ब्लेसिंग्स टू सुशील प्रभुपाद. हरे कृष्णा उद्धव पृष्ठ प्रभु जी, दंडक प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था और आपकी क्लास से मुझे एक रियलाइजेशन आ गया कि अगर आसक्ति छोड़नी है, सबसे महत्वपूर्ण तो आसक्ति, आसक्ति का ही चक्कर है, हर चीज के पीछे हम आसक्त हो जाते हैं और उसके पीछे उसको हासिल करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं, तो ये आसक्ति को कैसे दूर करें. आपके क्लास के जो पॉइंट्स आपने बताया उसमें से एक बात रियलाइज हो गई कि आसक्ति को अगर दूर करना है तो हमें जो है ना मृत्यु को रोज याद रखना पड़ेगा. अगर मृत्यु को रोज याद रखेंगे, हर पल याद रखेंगे, यानी भगवान को काल के समान उसको याद रखेंगे, तो ये जो हमारी आसक्ति है वो दूर हो सकती है. दिस इज व्हाट आई रियलाइज फ्रॉम द क्लास व्हाट यू हैव टेकन टुडे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, आपने भी अच्छा पॉइंट बता दिया. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास. और आपने जैसे आज से पूरा परपट पढ़ के प्रभु उसका एक्सप्लेनेशन दिया प्रभु, सो वेरी नाइस प्रभु. बहुत अच्छे से आपने प्रभु वो जो हर एक प्रभुपाद जी के जो परपट है उसको आपने बोल के उसका एक्सप्लेनेशन दिया प्रभु. सो थैंक यू सो मच प्रभु वंस अगेन फॉर वंडरफुल क्लास. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. थैंक यू प्रभु जी.